हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे अभी हल्दी की रस्म की तैयारी चल रही है। दुल्हन हमारी तैयार हो चुकी है, सुंदर लग रही है। ये मैंने बनाया था इसका सूट, अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। ये सभी देखो येलो ड्रेसेस लेके आए हैं और मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा कि हल्दी की रस्म के लिए मैं भी कोई येलो सूट पहनूं। कितनी दुख की बात है, मेरे पास बहुत सुंदर सूट पड़ा था येलो। अब पछताते हैं, पछताते रहो, अभी क्या फायदा। इवें ही गिरता क्या? पूरे पूरे ये पत्ते तोड़ के गिरा। इवें ले लो, लो कर दो, मेरा एक हाथ है। तो अभी हल्दी की रस्म तो लगभग निपट चुकी है हमारी और ये सब भी अभी घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हम निकलेंगे तो हम रात तक पहुंचेंगे। तो बहुत गंगानगर से आए हैं, 6 घंटे का रास्ता तो है ही, तो टाइम से निकल जाए तो ठीक ही है।
अगर आपको किसी व्लॉग में बुआ ना दिखे मतलब बुआ ने धोखा दे दिया बीच में गायब हो गए बुआ। बुआ भी जाने के लिए बोल रहे थे पर मैं जाने नहीं दूंगी किसी भी हालत में, क्योंकि रिया भी आने वाली है अभी, मेहंदी का फंक्शन करेंगे रात को। अच्छा जी बाय 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 बाय, सुन ही नहीं रहे देखो। बाय बाय बेटा बाय। बाकी सब तो गए, इस मैडम को अभी टाइम मिल रहा है का धक्के खाका के आई है स्कूटी पे इतनी गर्मी में। सुबह इसके पापा आए थे गाड़ी में, सोई रहेगी मैडम, उठी ही नहीं। सबसे लेट लतीफ लड़की, सबसे लेट लतीफ। पैसे तो कौन दिंदा हुंदा, तू भी लिखा दे प्रियंका इनू ब्याह जल्दी हो जाएगा इहदा। अभी मार्केट जाके आना है मेरे को, पता नहीं कोई लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। रिया आधा घंटा बचेगा अभी, दोबारा कौन आएगा घर से वापस, तो सोचा अभी ले जाते हैं, वेट कर लेते हैं।